इतने सालों से मन में चाह थी वो आज पूरी हो गई है। मंदिर बनकर तैयार है, अब बारी है इसे सजाने की। आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो होने वाला है बहुत ही इंफॉर्मेटिव, तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मंदिर की स्थापना और ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड सारी टिप्स आपके साथ शेयर करूंगी। ये मंदिर मैंने कारपेंटर से बनवाया था और इसकी डिज़ाइन जो है वो इंटरनेट से ले ली थी, लेकिन इसमें 50% तक चेंजेस मैंने अपने अकॉर्डिंग करवाए थे। मुझे एक्चुअली मंदिर ऐसा चाहिए था जहाँ पर मैं बैठकर पूजा कर पाऊँ। और मंदिर में मुझे थोड़ा सा लाइट का इफ़ेक्ट चाहिए था, तो इसीलिए वैसे तो पूरा मंदिर माइका का बना हुआ है, लेकिन इसमें मैंने पीछे की तरफ और इसके जो दरवाजे हैं, कपाट है, उन पर CNC डिज़ाइन करवा दिया। और जो कि कंप्यूटर से हम सिलेक्ट करते हैं, जैसा हम डिज़ाइन सिलेक्ट करते हैं कारपेंटर को बोल के, और वैसा हम बनवा सकते हैं। इसका ये फ़ायदा है कि जैसे CNC डिज़ाइन है और पीछे से अगर लाइट आती है तो बहुत ही अच्छा रिफ्लेक्शन आता है। तो जैसे ही मंदिर का जो साइज़ है वो डिसाइड कर लिया, और उसके बाद बारी थी डिज़ाइन पसंद करने की, जो कि इंटरनेट से निकाल के पसंद कर ली। और अब बारी थी मंदिर का जो है कलर चूज़ करने की, तो वो मैंने लाइट ही चूज़ किया, क्योंकि लाइट कलर जो है आँखों को काफ़ी अच्छा सुकून देता है। और इसके लिए फिर साफ सफाई भी वैसे ही करनी थी, तो मैंने ऑनलाइन ये परचेस किए कुछ माइक्रोफाइबर क्लॉथ्स, जिनसे कि साफ़ सफाई बहुत ही अच्छे से हो जाती है, बिल्कुल भी डस्ट को ये रुकने नहीं देते, काफ़ी अच्छे से डस्ट को ऑब्जर्व कर लेते हैं। और मंदिर की साफ़ सफाई के साथ ही जैसे एक पैकेट में 4 पीसेस मिले, तो कई सरफेस को जैसे TV हो गई या डेस्कटॉप हो गया, कीबोर्ड वगैरह, कई चीज़ों को साफ़ करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि फ्रिज वगैरह भी इससे साफ़ कर सकते हैं, तो काफ़ी बढ़िया लगे मुझे। और डेकोरेशन से लेके ऑर्गेनाइजेशन से लेके सारे जितने भी सामान यूज़ किए हैं, सबकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दी हुई है। यदि आपको कोई भी प्रोडक्ट अच्छा लगता है और परचेस करना चाहते हैं, तो प्लीज़ एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर चेक कर लेना। ये 2x6 का मंदिर जो है, इसकी प्राइस लगभग 10 से 12 हज़ार रुपये तक खर्चा आ गया। और आज मैं सुबह से ही बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, क्योंकि मंदिर तो एक हफ्ता पहले ही बनकर तैयार हो गया था, लेकिन इसमें काफ़ी सारे सामान मुझे सारे नए ही रखने थे, तो मैं लोकल मार्केट से ही ये सारी शॉपिंग करने चली गई थी। और बढ़िया बढ़िया वहाँ पर आइटम थे, सारे जितने भी पूजा वगैरह के जैसे सामान रहते हैं ना, उसमें तांबा, कांसा, चांदी के भी बर्तन थे, तो जो जो मुझे ज़रूरी लगे वहाँ से मैंने परचेस कर लिए। सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज रहे ऐसा मुझे शुरू से ही शौक रहा है। अगरबत्ती के राख गिरने से काफ़ी ज़्यादा नीचे सरफेस साफ करना पड़ता है या प्लेट वगैरह मांझनी पड़ती है। सिंपल से एक किसी भी सिरेमिक पॉट में आप थोड़ी सी रेत वगैरह डाल दें और रेडी है आपका ये अगरबत्ती स्टैंड। आज का दिन डिसाइड कर लिया था कि सारी चीज़ें जो है ना मंदिर की ऑर्गेनाइज भी कर लूँगी, और पूरी अच्छे से स्थापना करके पूजा वगैरह भी आज ही से स्टार्ट करना है। तो सुबह मैं बहुत जल्दी उठ गई थी और फटाफट अपने जो भी है सफाई के काम फिनिश किए, किचन के काम फिनिश किए, नाश्ता बनाया, क्योंकि बहुत सारे काम अभी बाकी थे, कुछ मार्केट से चीज़ें रही हुई थी, जैसे कि मैं कपड़ा लेने गई मार्केट का आसन के लिए, लेकिन मुझे परफेक्ट साइज़ का कपड़ा जो है ना मिल नहीं पाया। तो मैंने क्या किया, एक आधा मीटर कपड़ा ले लिया और गोल्डन लेस ले ली, और मुझे अपने हिसाब से बिल्कुल नाप के कपड़े चाहिए थे, क्योंकि एक बार हम ले तो लेते हैं लेकिन कई बार फिर उनको हम फोल्ड ही करते रहते हैं। तो इस बार मैंने सोचा था जो भी चीज़ें करूँगी एकदम परमानेंट, ये मैंने ले लिया फेविक ग्लू सिंपल, इसकी मदद से मैंने इसके ऊपर एक गोल्डन लेस चिपका दी और परफेक्ट साइज़ के ठाकुर जी के आसन 10 मिनट में रेडी हो गए। और पीले कलर की ये दरी जिस पर हम बैठकर पूजा करते हैं वो मैंने ऑनलाइन ही मंगवा ली थी। सभी पॉसिबल लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां जाकर भी चेक कर सकते हैं।
बचपन में जब श्री कृष्ण जिद करने लगे कि गौ चराने के लिए उन्हें जाना है, तो मैया यशोदा जब उनका श्रृंगार करने लगी और जूतियां पहनाने लगी, तो कृष्ण बोले, पहले सभी गायों को आप जूते पहनाएंगी, तभी मैं जूते पहनूंगा। और आखिर वे नहीं माने और वृंदावन की पूरी धरती को पावन करते रहे। ये है श्री कृष्ण जी के कुछ वस्त्र और उनका कुछ श्रृंगार का सामान। जिन भी ठाकुर को, भगवान को आप मानते हैं, उनकी बहुत ज़्यादा मूर्ति वगैरह आप अपने मंदिर में ना रखें, और कोशिश करें कि हर देवी देवता की एक एक मूर्ति ही मंदिर में रखें। ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि हमें जो भी चीज़ चाहिए रहती है हम मार्केट से ही परचेज करें। कुछ चीज़ें अगर हम खुद बनाते हैं तो पहला तो हमें बहुत ही अच्छा लगता है और हम अपने हिसाब से बना सकते हैं कि हमें किस डिज़ाइन में चाहिए। तो मुझे कृष्ण जी के लिए चाहिए थी सुराही और भोग लगाने के लिए एक पात्र चाहिए था, तो मैंने मोल्डेड क्ले लिया है और इसका मैं छोटा सा ट्रे बना लूँगी और छोटी सी सुराही। ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए सबसे पहले तुलसी का पत्ता उन्हें चढ़ाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इसके बिना वो भोग ग्रहण नहीं करते। मंदिर में पीछे की लाइटिंग के लिए LED स्ट्रिप लाइट का यूज़ किया, जो कि पूरा रोल ही आता है 5 मीटर का मैंने लिया था, और इसकी जो वारंटी है वो 1 ईयर की थी। अगर पॉसिबल हुआ तो इसकी लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। वैसे ये मैंने मार्केट से ही परचेस किया था। और इस तरह से इसमें पीछे ना पन्नी लगी हुई रहती है और इसको उतारते जाते हैं, और जहाँ भी हमें चिपकाना रहता है इस तरह से धीरे धीरे करके चिपकाते जाते हैं। और इसे लगाने में मैंने थोड़ी सी इलेक्ट्रिशियन की हेल्प ली थी। मंदिर के ड्रॉर्स में इस तरह से छोटे छोटे जार रखे ताकि इनमें छोटी छोटी चीज़ें आसानी से आ जाए, जैसे कपूर वगैरह। और कपूर जब भी आप जलाएं तो उसके लिए छोटा सा एक दिया रख लें, ताकि एक ही जो दिया है वो हर बार कपूर जलाने के लिए यूज़ हो पाए। और यह कुछ चांदी के बर्तन वगैरह जो कि कृष्ण जी के भोग के लिए रखे हुए हैं। तो इस तरह से सारी पीतल की मूर्तियाँ और चांदी की, जो कि बहुत ज़्यादा हाइट में बड़ी नहीं है, इस तरह से जमा दी है। अब जो पीतल के बर्तन वगैरह हैं उनको साफ करने के लिए टच एंड शाइन करके इस तरह से पाउडर आता है, इससे आप इजीली अपने जो पीतल के बर्तन वगैरह हैं ना, क्योंकि धातु के जो भी बर्तन रहते हैं स्पेशली इस तरह के पूजा आइटम, तो वो क्या कभी जैसे हवा वगैरह से या मौसम के हिसाब से इनमें काफ़ी जो है ना कालापन आ जाता है और साफ भी बहुत अच्छे से हो जाता है। तो इनको साफ करने के लिए ये टच एंड शाइन पाउडर भी आप यूज़ कर सकते हैं। वैसे मैं इसके पहले पीतांबरी भी यूज़ करती थी, लेकिन इसको यूज़ करने के बाद ये मुझे उससे भी ज़्यादा बेटर लगा। ये छोटा सा सिंदूर की डिब्बी का टॉप है, इसको मैं क्लीन करके बताती हूँ कि कितना इजीली बस 2 मिनट में ही ये बहुत ही अच्छे से देखिए शाइन करने लगा है। तो इस तरह से अगर यूज़ करेंगे इसको बर्तनों के साफ़ करने के लिए, तो काफ़ी आपकी मेहनत बच जाएगी। तो जैसे मंदिर से जुड़ी हुई जो भी चीज़ें हैं, जितने भी सामान हैं, पूजा की कथा वगैरह हैं, दिया बाती, ये सब चीज़ें जो एक्स्ट्रा रहती हैं, अगर हम एक्स्ट्रा दिए बाती कपूर वगैरह रखते हैं, जितने भी सामान हैं, छोटी चौकी वगैरह, ये सब ड्रॉर्स वगैरह में जमा कर रखें। साफ़ करने के नैपकिन वगैरह या कई सारी छोटी छोटी चीज़ें रहती हैं ठाकुर जी के वस्त्र, तो ये सब चीज़ें एक जगह पर ही रखें, ताकि बार बार कहीं ढूंढनी ना पड़े और घर में इधर उधर ना फैली रहें। और एक आप छोटा सा और बर्तन रख सकते हैं, ऐसे जार वगैरह रख सकते हैं, जिसमें कि पूजा के जो सूखे फूल हैं वो आप रख लें और अपने हिसाब से जब उनको चाहें वो परवान कर लें। मंदिर कैसा हो इसके बारे में कई महीनों तक पहले तो मैंने बहुत सोचा। मंदिर का साइज कैसा हो, उसका डिज़ाइन कैसा हो, किस तरह से मंदिर को सजाऊं, क्या क्या चीज़ें उसमें होनी चाहिए और किस तरह से पूरा ऑर्गेनाइज करूं, डेकोरेट करूं। फाइनली आज मंदिर की स्थापना हो ही गई और काफ़ी सारी चीज़ें जो है मैंने ऑर्गेनाइज भी कर ली, और ये पहली बार मैंने मंदिर में पूजा भी आपके साथ शेयर की। उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर छोटी छोटी मेरी जो भी टिप्स हैं आपको पसंद आई हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, मुझे मोटिवेट ज़रूर करना, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स में भी ज़रूर शेयर करना, ताकि अगर उनको भी इस तरह से कुछ डिज़ाइनर मंदिर बनवाना हो
तो उनको भी हेल्प हो सके। और यदि आपको भी कुछ आज के वीडियो के बारे में क्वेरी हो तो मुझसे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा आपके कमेंट्स पढ़ के, ना मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इस तरह से ऑर्गेनाइजेशन और सारी मंदिर की स्थापना पूजा के बाद लगभग शाम हो ही चुकी थी और पूजा के बाद मैंने भोग वगैरह लगाया। चाहे घर की बात की जाए, किचन की या फिर मंदिर की, और घर में किसी भी कॉर्नर की, अगर सब चीज़ें व्यवस्थित होती हैं तो सभी काम बहुत ही आसानी से तो हो ही जाते हैं और साथ ही मन भी हमेशा खुश रहता है। तो फ्रेंड्स, अगर आज की वीडियो में अगर कोई भी चीज़ आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और ऐसे ही कंटेंट मैं होम और किचन ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड भी आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, जिसके लिए चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। आपके बहुत ही प्यारे प्यारे और वैल्यूएबल कमेंट्स का मुझे हमेशा इंतज़ार रहेगा, अपनी राय वहाँ पर मुझे दे सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी चीज़ों की लिंक, जो भी चीज़ें मैंने ऑनलाइन मंगवाई हैं उसकी दी हुई है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप ज़रूर चेक करना। अगर आपको वहाँ से भी परचेस करना है और कंपेयर कर लीजिएगा, जैसे भी आपको अच्छा लगे तो वहाँ से भी आप परचेस कर सकते हो। थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए। थैंक यू सो मच। टेक केयर एंड बाय बाय।